दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एक अमेजिंग प्रोडक्ट रिव्यू आप लोगों के साथ। मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इसने मेरा दिल दिमाग सब कुछ जीत लिया है और आप लोगों का भी दिल जीतने के लिए हाजिर है। आज का हमारा जो स्टार है, जो प्रोडक्ट है, वो है O3 प्लस प्रोफेशनल O3 प्लस D10 पैक। डीटेनिंग इफेक्ट भी लाता है, व्हाइटनिंग इफेक्ट भी लाता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहा है और ये सच बात है, 100% सच बात है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पहले इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बता देती हूँ, फिर मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी, वो आप लोग के बहुत काम आएगा, और उसके बाद बता दूंगी कैसे यूज करना है वगैरह वगैरह। और एक चीज जरूर है कि इसकी कुछ सावधानियां वो बता दूंगी। तो प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये 50 ग्राम का, मैंने 300 ग्राम का, तो वो प्राइस है 1350 के करीब, और इसका जो प्राइस है वो 830 था, पर मैंने इसको ऑफर चल रहा था 747 में खरीदा है। इसके साथ मैंने और भी एक लिया है, वो एक साथ में मुझे कॉम्बो पैक में मुझे रिसीव हुआ था, वो है ये O3 प्रोफेशनल O3 प्लस का, ये मैटिफाइंग जेल है और ये SPF 50 है इसका। तो इसका प्राइस था 445, इसको ये मुझे मिला है 401 रुपीज में। जार जो है ये ग्लास का जार है, तो ये बहुत ऐसा गिरने से झट से टूटने वाला नहीं है, बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी ये ग्लास है तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। तो आप इसको अगर ठीक से कैरी कर सकते हो तो बेशक आप इसे ले जा सकते हो, अगर नहीं कैरी कर सकते हो तो इसके प्रोडक्ट को किसी और डब्बे में लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है। और एक चीज है कि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जहां पर है ना, यहाँ पर नहीं, कहीं पर नहीं लिखा है, इसके पैकेट में भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है और डब्बे पे भी है, उस जार पे भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है कि इसके अंदर पैराबिन है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि पैराबिन फ्री है। डेवलप किया गया है डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा, ठीक है, तो इसीलिए हम इस पे बहुत भरोसा कर सकते हैं, भरोसे लायक है ये। और ये एक एडवांस अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 8 बेनिफिट्स देता है आपकी स्किन को, जो कि है हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, नरिश करेगा, हील करेगा, व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, और उसके बाद लाइट करेगा और स्मूथ करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें ये आपके स्किन को प्रोवाइड करता है। और ये हर एक बात सच है, एक भी बात झूठा इसने नहीं कहा है। तो और इसको अप्लाई करने का तरीका भी जो है वो मैं बता रही हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए मैंने मैं कुछ दिनों से मेरे जो पुराने व्यूअर हैं, जो मेरे पुराने फैमिली मेंबर हैं यूट्यूब के, वो उन लोगों को पता है कि मैं 1 से 1.5 महीने तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं तब बहुत बिजी थी अपने कोल इंडिया एथलेटिक्स मीट के लिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस चल रहा था, हम लोगों का टाइम था वो था 11 से लेकर आपका 2 बजे तक। तो आप सोच सकते हो वो धूप में वहां पे ग्राउंड में प्रैक्टिस करना, मतलब मेरी स्किन की भी बैंड बज गई, मैं सनस्क्रीन लगाती थी लेकिन उससे कोई फर्क, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सब पिघल के निकल जाता था। तो उसके बाद स्किन इतना ज्यादा डैमेज हुआ, मेरा कि मैं सही से ध्यान भी नहीं रख पा रही थी, तो मेरा स्किन बहुत ज्यादा डैमेज भी हो गया, सिर्फ टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं, डैमेज भी हो गया, और मैं अपनी स्किन को खुद ही नहीं देख पा रही थी, इतना डरावना लग रहा था मुझे अपना स्किन। तो मुझे लग रहा था कि वहां से हम लोग जहां गए थे मीट में, एथलेटिक्स मीट में जहां गए, तो मैं तब आते वक्त मैंने सोच लिया कि जाकर तो पार्लर में कूदना ही है, क्योंकि ये कोई DIY से या कुछ से इतना ज्यादा टैनिंग, इतना गाढ़ा टैनिंग, इतना बर्बाद हो चुका है मेरा स्किन, तो मुझे अपनी स्किन को थोड़ी रिपेयरिंग करानी होगी, मुझे पार्लर तो जाना होगा। तो मैं वहां जाने से पहले, उस एथलेटिक्स मीट में जाने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने इसको ऑर्डर दिया था, मैंने नायका में देखा था कि इसके बारे में बहुत कुछ लोगों ने बहुत रिव्यू किया है, तो मेरा भी मन किया कि थोड़ा चलो इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है, तो इसको ले लिया था मैंने। तो मैं जब गई थी तब प्रोडक्ट आया नहीं था, मेरे जाने के बाद प्रोडक्ट आया था, तो मैं वापस आई, उसके बाद तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो आने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने एक दिन नहीं, कंटिन्यू जो किया 5 दिन मैंने ट्राई कर लिया, एक दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया था, एक दिन में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा 5 दिन कंटिन्यू ट्राई कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। पर इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसकी जो कुछ सावधानियां हैं वो मैं बता दूं,
कि आपको इसको रेगुलर यूज नहीं करना है। रेगुलर मतलब एक दिन अल्टरनेट, मतलब आप कंटिन्यू अगर हर दिन करते रहोगे वो सही नहीं है, वो स्किन को खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको इसको इस्तेमाल करना है 2 दिन बाद बाद या फिर 3 दिन, 3 दिन ज्यादा बेटर है, आप 3 दिन के गैप देकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ क्या है, तो मैंने जब भी 5 दिन कंटिन्यू इस्तेमाल कर लिया तो मेरे स्किन में कुछ रैश निकल आए, तो रैश निकल आया तो मैं डर से इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मैं ज्यादा नहीं, 2 दिन बाद मैंने ट्राई किया फिर से, जब रैश आ गया था स्किन पे, तो मैं, मेरे पास जो रूप मंत्रा का, आप लोगों को पता होगा रूप मंत्रा का जो पिम्पल जेल मेरे पास है, वो जेल मैंने रात को लगाकर सो गई थी, सुबह तक एकदम स्किन क्लियर हो गया था। तो अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो उसका जो वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप अगर चाहते हो उसको देखना तो आप देख सकते हो, उसमें पिंपल बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, जब भी आपका पिंपल आए तो वो जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपका पिंपल क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ फिर, तो मैंने इसको उसके बाद 2 दिन बाद, उसके बाद 3 दिन बाद मैंने इस्तेमाल किया और मेरी स्किन पहले जैसी, बिल्कुल पहले जैसी हो गई। मैं आपको एक उस टैनिंग के वक्त का एक पिक्चर दिखाऊंगी, वो देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कितना बर्बाद हो गई था, कितना बर्बाद हो गया था मेरा स्किन। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं बता दूं इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है कुछ, देखिए इसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने 15 बार इसको यूज किया, 15 से 16 बार, तो यूज करने के बाद भी ये कितना ज्यादा है, मतलब बहुत ही कम आपका क्वांटिटी लगता है। आपको थोड़ा सा पतला सा एक लेयर लगाना होता है, मैं आपको सनलाइट में ये लगाकर आपको दिखाऊंगी। देखिए पतला सा एक लेयर लगाना है आपको, क्योंकि लाइट में आप शायद उतना नहीं समझ पाए, इसलिए मैं सनलाइट में ही आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगी। या 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, मसाज करने के बाद उसको आप 10 मिनट तक छोड़ दीजिए अपने फेस पे, और उसको एक भीगा हुआ टॉवल से या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, मतलब वाइप्स हो, उससे आप उस स्किन को अच्छे से, वो मास्क को आप पोंछ लीजिए। आपको स्किन को धोने की कोई जरूरत नहीं, स्किन को धोना नहीं चाहिए। उसके बाद आप ये वाला जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे रात में यूज करें, मैं कहूंगी आप इसे जरूर रात को ही यूज करें, और ये सनस्क्रीन आप जरूर यूज करें। आप ये जब भी, ये ट्रीटमेंट टाइप का है, तो जब भी आप ऐसा कुछ करें तो आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। तो आप इसको इस्तेमाल करने के बाद ये वाला सनस्क्रीन जरूर यूज करें, तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा, आपको बहुत रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। जाओ कहीं पे भी जाओ, मतलब कोई सन प्रोटेक्शन लेके जाओ ना जाओ, मैं कहूंगी जरूर लेके जाओ, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पर आपका सन प्रोटेक्शन आप लेकर जाते हो तो वो कोई काम का नहीं होता, या फिर आप सन प्रोटेक्शन लेकर जा नहीं सकते। तो कुछ नहीं करना है आपको, घर में बस इसको रखना है और आपका काम हो जाना है। तो जल्दी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले कह देना चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मेरा सारा सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो भी इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी पूछना है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो वो भी बताना, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना, क्यों डिसलाइक किया वो भी बता देना। तो चलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।